अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आपका नसरीन की रेसिपी चैनल पे। तो देखिए आज हम बनाने वाले हैं राजा रानी मच्छी। मच्छी बनेगी हमारी मच्छी फ्राई। काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि ये मच्छी मैं लेके आ जाऊँ, तो मेरे लिए आज मुझे मिल गई है माशाल्लाह से। और ये मच्छी का कलर देखिए, इधर से पूरा सुनहरी रहता है और यहाँ से उसका पीले कलर का, येलो कलर का पट्टा रहता है। ये मच्छी खाने में इतनी टेस्टी है ना, थोड़ी सी मेहनत है लेकिन खाने में बहुत लाजवाब बनती है। इसको सिर्फ फ्राई बनाएंगे हम लोग, और वो भी एकदम फ्राई अलग तरीके से बनाएंगे, और इतनी टेस्टी बनेंगी ना ये मच्छी जिसकी कोई हद नहीं। बहुत टेस्टी और एकदम इजीली झटपट बन जाएंगी। 5 मिनट का काम है सिर्फ साफ। और मैंने एक्चुअली साफ करके लाई हूँ मार्केट से, उन लोगों ने देखो पूरा आधा मच्छी कर दिया है। अगर हम लोग लेके आते तो खाली मुंडी उसकी निकाल लेते, लेकिन उन्होंने पूरा आधा ही करके दे दिया। मैं बोली वो ऐसा हो जाएगा जल्दी जल्दी साफ, अब ये पता नहीं था कि मच्छी आधी ही मिलेंगी हाथ में। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए और थोड़े तो भी साफ नहीं करके दिए पूरी तरीके से, तो भी देखिए इसके कितने खौले निकल रहे हैं ऐसे। अब अच्छे से साफ करके ही लेंगे अपन तो, क्योंकि खौले भी आते हैं मुंह में तो अच्छे नहीं लगते। झटपट से बन जाएंगी हमारी मच्छी फ्राई, देखते रहिए एकदम टेस्टी। और इसके अंदर लेकिन बहुत कांटे हैं, इसको एकदम कड़क फ्राई करना पड़ेगा हमको, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। तो दोस्तों राजा रानी मच्छी बनाने के लिए हम लोग ले लेंगे लेमन। ये मैंने यहाँ पे एक नींबू का रस निकाली हूँ। नींबू बहुत कंजूस था इसलिए इतना ही रस दिया इसने, कोई बात नहीं। सब पे डाल देंगे इसको थोड़ा थोड़ा, और हाथ से इसको मसल देंगे। थोड़ा सा चाहिए था हमें, और कुछ नहीं, थोड़ा सा लगाने का सिर्फ खट्टेपन के लिए, बाकी दूसरा कुछ नहीं। इसको अच्छे से धो के साफ कर ली, मैंने कम से कम 4-5 पानी से इसको मैंने धोई हूँ। मसाला यहाँ पे इसका बना लेती हूँ मैं, इसको रखने की भी जरूरत नहीं है मसाला लगा के, कि हमारी मच्छी के अंदर मसाला घुसेगा। ये इतनी प्यारी मच्छी होती है, इसका अपना ये बहुत ज़बरदस्त टेस्ट होता है। तो यहाँ पे मैंने ले ली हूँ 3 टी स्पून भर के बेसन, 3 से 4 टीस्पून भर के। ये 4 टीस्पून भर के हमारा बेसन हो गया। अब इसी के अंदर हम लोग ऐड कर देंगे हल्दी, बड़ा आधा टीस्पून हल्दी ले ली है। इसी के अंदर जाएगा लाल मिर्ची पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर भी इसके अंदर का। टेस्ट तीखा आपके हिसाब से आप डालिए, कम या ज़्यादा। इसी के साथ में सर मैं ऐड कर दूँगी नमक का टेस्ट भी आप आपके हिसाब से डालिए, जितना आपको टेस्ट, नमक कम ज़्यादा खाते हैं ऐसा। इसी चम्मच से मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से। ये इतनी टेस्टी बनती है ना इसी मच्छी माशाल्लाह से, झटपट से बन जाएगा एकदम इजीली टेस्टी। अच्छी तरीके से इसको चलाते हुए मिक्स कर लेते हैं, सब मसाले एक साथ आ जाए। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने तवा रख दिया गरम के लिए, और तवा अच्छी तरीके से गरम हो गया। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी ऑयल इस तरीके से। ये मैंने कल पापड़ तली थी उसी का ऑयल था, वही ऑयल मैंने ले ली है इसके लिए। अब हम एक एक मच्छी फिश हमारी इसके अंदर रख लेंगे इस तरीके से। बस इसको ऐसा मसाला लगा लेंगे ड्राई मसाला। माशाल्लाह बिस्मिल्लाह। अभी जितनी मच्छी खाने की रहेंगी उतनी हम लोग फ्राई कर लेंगे। मैं आपको 4 मच्छी बता देती हूँ फ्राई करके, और उसे डिश आउट करके कि हमारी मच्छी लग कैसे रही, हाथ में भी सटक रही है। यहाँ पे गैस मैंने स्लो कर दी हूँ। अभी स्लो गैस पे हम इसको एक तरफ से 5 मिनट के लिए पका लेंगे, और फिर पलटी करेंगे, फिर 5 मिनट के लिए दूसरी तरफ से स्लो गैस पे पकाएंगे, ताकि हमारी मच्छी अच्छी कुरकुरी बन के तैयार हो एकदम। तो डिश आउट करके बताऊंगी कि हमारी मच्छी कैसी फ्राई हुई है झटपट से। चले दोस्तों यहाँ 5 मिनट हो गए हमारे फिश को एक साइड से फ्राई होते हुए, अब हम इसे टर्न कर देते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आया हमारे फिश को, वाओ माशाल्लाह माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आ गया। यहाँ से इसे भी टर्न कर देंगे,
अब इसे 5 मिनट के बाद में वापस से मैं डिश आउट करके आपको बताती हूँ कि हमारी फिश फ्राई कैसी बनी है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी फिश फ्राई बनके रेडी हो चुकी है। देखिए कितनी शानदार लग रही है हमारी फिश फ्राई। ये जितनी खूबसूरत लग रही है दिखने में, इससे कहीं ज़्यादा टेस्टी है खाने में। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल।